ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। जब भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसमें कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि चंगेज खान ने इंडिया पे इन्वेड क्यों नहीं किया। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा कि चंगेज खान का पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा था। सो टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफिकल एरा ऑफ चंगेज खान, ऑन 12th सेंचुरी के टाइम पे मंगोलिया एरिया बहुत सारे नोमैडिक ट्राइब में डिस्ट्रीब्यूटेड था। ऑन 1158 AD में तेमुजिन का जन्म हुआ इन्हीं में से एक ट्राइब में। उन्होंने अपने पूरे चाइल्डहुड डेज में सिविल वॉर होते हुए देखा एंड इन्हीं हालातों में वो बड़े हुए, क्योंकि चाइनीज रूलर के इन्फ्लुएंस की वजह से मंगोलियन ट्राइब हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। बट ड्यूरिंग द चंगेज खान एबल लीडरशिप सारे मंगोलियन ट्राइब्स को यूनाइट किया और वन बाय वन सारे चाइनीज रूलर्स ने चंगेज खान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया। इन कॉन्क्वेस्ट के बीच में सिल्क रूट में बेटर होल्ड करने के लिए चंगेज खान एक ट्रेड डेलीगेशन सेंट्रल एशिया द एम्पायर ऑफ ख्वाइज़म में भेजते हैं। बट ख्वाइज़म के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द सेकेंड उनके ट्रेड डेलीगेशन का सर कलम कर देते हैं। चंगेज खान ने फिर से ट्राई किया और अपने 3 डेलीगेशन को भेजा और उनमें से सिर्फ 2 एनवॉय वापस आए थे। और ये देखकर चंगेज खान का पेशेंस खत्म हो चुका था और अपनी एक बड़ी आर्मी लेकर ख्वाइज़म पे अटैक कर देते हैं। चंगेज खान इतने रूथलेस हो जाते हैं आफ्टर द बिहेवियर ऑफ शाह ऑन रूट टू ख्वाइज़म, जितने भी विलेज और सिटी पर अटैक कर देते हैं, सिटीज लाइक काबुल, गाजी और खानदार, एक मैसिव ब्लडशेड कॉज होता है। ये ब्रुटैलिटी देखकर अलाउद्दीन कैस्पियन आइलैंड चले जाते हैं और उनके बेटे शाह जलाउद्दीन इंडस की तरफ मूव करने लगते हैं। उसी को फॉलो करते हुए चंगेज खान की आर्मी अफगानिस्तान को कॉन्कर करते हुए खैबर पास के रास्ते पंजाब तक पहुंच जाते हैं। एंड दिस वाज द लास्ट बैटल ऑफ जलाउद्दीन। 1221 AD में द बैटल ऑफ इंडस में चंगेज खान डिफीट कर देते हैं जलाउद्दीन को। जलाउद्दीन एस्केप करते हैं बैटलफील्ड को एंड दिल्ली के सुल्तान से रिफ्यूज मांगते हैं। यहाँ पे ये रेस करता है क्वेश्चन कि अगर चंगेज खान जाते तो इंडस को क्रॉस कर सकते थे, बट ही डिडंट अटैक। बट क्वेश्चन ये था, व्हाई डिड ही रिटर्न बैक। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा।